रूसी सेना के हमले में कीव के पास एक चर्च तबाह हो गया है। धमाके के बाद सेंट जॉर्ज चर्च में भीषण आग लग गई। सन 1873 में बना था ऐतिहासिक सेंट जॉर्ज चर्च और ये यूक्रेन की बड़ी राष्ट्रीय धरोहर माना जाता था। और इस वक्त यूक्रेन की इस राष्ट्रीय धरोहर पर कैसे हुआ है अटैक, कैसे ये सेंट जॉर्ज चर्च धू धू कर जलता हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस वक्त यूक्रेन के तमाम शहरों का क्या हाल है, क्या आलम है। साल 1873 में बना एक बेहद पुराना चर्च किस तरह से धराशायी हो गया है, किस तरह से आग की लपटों से घिरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और पुरानी तस्वीर भी आपके सामने है, कुछ दिनों पहले की तस्वीर और आज की तस्वीर आप देखिए। युद्ध की विभीषिका कैसे झेल रहा है यूक्रेन, ये जरा समझिए इन दो तस्वीरों से। यूक्रेन की राष्ट्रीय धरोहर को कैसे किया गया है तबाह, ये आपको इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आएगा। और वॉर जोन में सारण बज चुका है, इसी के साथ एक बड़ी खबर आ रही है उसका रुख करते हैं। इरपिन में रूस की जबरदस्त बमबारी देखने को मिली है। रूसी अटैक में इरपिन में चर्च तबाह हो गया है और चर्च के तबाह होने की ये तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करिए कि इस युद्ध में कुछ भी नहीं बच रहा है। स्कूल हो, कॉलेज हो, एयरपोर्ट्स हो, सैन्य अड्डे हो और अब चर्च को भी निशाना बनाया गया है। और तस्वीरें आप इरपिन की देख रहे हैं जहां रूस की जबरदस्त बमबारी देखने को मिली है और इस बमबारी में चर्च पूरी तरह से तबाह हो गया है। और देखिए दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक कीव की तस्वीर है और एक तस्वीर है इरपिन की। दोनों जगह के ये ऐतिहासिक चर्च इस वक्त तबाही देख रहे हैं। एक तरफ आग की लपटें हैं, दूसरी तरफ हवाई बम बरसाए गए हैं और इस तरह से ये चर्च जो है उसके आसपास का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया है। तो ऐसी जो धरोहर यूक्रेन की थी, ऐतिहासिक धरोहर, वो भी इस युद्ध की आहूति में जलती दिख रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब इस वक्त इन शहरों में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा है जो ये चाहता हो कि यहाँ पर वो रहे, बजाय इसके जो लोग युद्ध करना चाहते हैं, जो रूस की सेना का सामना करना चाहते हैं, ज्यादातर लोग इन शहरों को खाली कर रहे हैं। और अब यहां से तस्वीरें ऐसी ही निकल रही हैं, तबाही की, बर्बादी की और वीरान सड़कों की। सर तस्वीरें एक तरफ आ रही हैं लेकिन ये जो बर्बाद यूक्रेन है, ये जो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा यूक्रेन है, ये किसी के किस काम का बचेगा? देखिए सबसे बड़ी जब कीव कब्जा हो जाता है और कौन वहां सत्ता पर काबिज होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। अगर रूस नहीं, अभी तो साफ दिख रहा है कि रूस के या रूस समर्थित सरकार ही वहां होगी। इसके बाद और ज्यादा विकट स्थिति होने जा रही है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? सैंक्शंस लगेंगे, सैंक्शंस लगे रहेंगे रूस के ऊपर भी, सैंक्शंस यूक्रेनियन सरकार के ऊपर भी रहेंगे, तो उन्हें लाना होगा एक्स्ट्रा रिसोर्स। तो ये रिकंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी रूस की होगी, उस सरकार की होगी जो रूस के समर्थन से बनी। थोड़ा सा मेरा विचार थोड़ा सा डिफरेंट है। रीजन ये है कि जो भी है वो आर्थिक स्केल पे है, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका ऑयल और पेट्रोलियम रशिया से जाता है और उसकी कीमत मात्र सिर्फ हम तेल ही क्यों देखें, रूस की भी हालत अंदर से दबाव बहुत है। स्टॉक मार्केट अब तक नहीं खोल रहे हैं, डरे हुए हैं कि खुलते ही पता नहीं क्या क्या भूकंप आ जाए। निश्चित रूप से, लेकिन ये ऑयल रिक्वायरमेंट जो है यूरोपियन कंट्री की वो तो बनी रहेगी ना, उसको स्वाप नहीं कर सकते। और अमेरिका से अगर वो आता है ऑयल या पेट्रोलियम तो उसकी कीमत चार गुना। ऐसे में रूस कितने दिन और सर्वाइव कर सकता है, कितने दिन और युद्ध इसी तरह से चलता रहेगा, कितने अभी और आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध रूस के ऊपर लगाए जाएंगे, आखिर कितना झेल सकने की कैपेसिटी है रूस की? देखिए रूस उतने दिन सर्वाइव करेगा सैंक्शन के साथ जितना नॉर्थ कोरिया सर्वाइव कर चुका है, जितना ईरान सर्वाइव कर चुका है। सैंक्शंस का इतना कुछ देर के लिए होता है लेकिन हर देश फिर अपने अपने रास्ते ढूंढता है।